एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। अभी भी आपको पता है कि इस पेंडेमिक में नहीं पता कि कब तक स्कूल और ओपन होंगे। मे बी नेक्स्ट मंथ ओपन हो जाए और नहीं पता कि कब ओपन होंगे। तो इसीलिए अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रॉपर वे में अटेंड कीजिए और अपने टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट या किसी को भी किसी भी टॉपिक या चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। मैं उस टॉपिक या चैप्टर को इजीएस्ट वे में उसकी टिप एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगी। सो टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ना सबसे पहले ये कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा यूज़ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले इट मींस जहाँ पर भी हमें कोई भी साइड्स या एंगल्स निकालने होते हैं वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ट्रिग्नोमेट्री हम किस ट्रायंगल पे यूज़ करते हैं। जब भी हमारा 90 डिग्री का एंगल गिवन होता है जिस भी ट्रायंगल में, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ले लिया, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल एट बी। अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा लेते हैं, सबको पता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हाइपरटेन्यूज, ये हमारा हाइपरटेन्यूज हो गया। अब जो हमारा थीटा है, थीटा ही हमें बताएगा कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है एंड बेस कौन सा है। तो थीटा की जो सामने की साइड होती है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो उसके थीटा के सामने आती है, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। एक और हम ट्राइंगल लेके इसको समझाने की और कोशिश करते हैं। एक और हमने ट्राइंगल लिया, सेम राइट एंगल एट बी, ए एंड सी हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल हम थीटा लेते हैं तो थीटा के ऑपोजिट साइड इज बी सी। अगर BC है तो थीटा के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड द अदर वन इज बेस। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। अब उसको एक टेबल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी ईजीएस्ट वे क्या है उसका। जो हमारे 6 रेशियोज होते हैं वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इस रेशियोज को हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपरटेन्यूज, ये जो 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं इसके अंदर हमारे पास यही आएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपरटेन्यूज। और इसको ईजीएस्ट वे में हम लर्न करेंगे पंडित भोले प्रसाद हर हर बम। या तो आप अपने कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कोई भी जिस भी आप लाइन से इसको याद करना चाहते हो उस वे में आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और जो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। अगर साइन थीटा का ऑपोजिट हो गया तो ये हमारा हो गया एच बाय पी। ऐसे ही कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड sec theta विल बी 1 by cos theta एंड h by b। ऐसे ही tan theta is perpendicular by base, cot theta is 1 by tan theta, so base by perpendicular। जैसे ये इनके reciprocal है उसी तरह से 1 by cosec theta is sine theta, 1 by sec theta will be cos theta, 1 by cot theta is equals to tan theta, and tan theta एक और होता है, tan theta को हम sine theta by cos theta भी बोलते हैं। इसी तरह cot theta हो जाएगा हमारा cos theta by साइन थीटा। आज सिर्फ इस वीडियो में इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसकी टेबल बनाना सिखाऊंगी,
इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की एक टेबल आती है, वो मैं टेबल आपको बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, और जो भी आपको टॉपिक्स या किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, मैं उसको वीडियोस बना के अपलोड करूँगी जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।